हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आम डिस्कस करूथिले, आज आम डिसेंबर 2012 पेपर टू डिस्कस करिबा। पूर्वरु आम जून 2012 क्वेश्चन डिस्कस करिथिले। जो माने देखी ना से भिडियोटी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दोउछि, आपण माने देखि दियंतु। भिडियोटी आरंभ करिबा। पेपर टू रे 50 प्रश्न आसुथिला। आमर प्रथम प्रश्न थिला क की धरणर ध्वनि। जून 2012 रे मध्य ए समान प्रश्न आसीथिला, क की धरणर ध्वनि अछि। आमे जानिछे क वर्ग हेउछि कंठ्य वर्ण, च वर्ग तालव्य वर्ण, ट वर्ग मूर्धन्य वर्ण, त वर्ग दंत्य वर्ण एवं प वर्ग ओष्ठ्य वर्ण। तो आमर देछि प्रश्न रे क की धरणर ध्वनि। ऑप्शन अछि ए रे कंठ्य, बी रे तालव्य, सी रे दंत्य, डी रे ओष्ठ्य। उत्तर हे जीव कंठ्य वर्ण। बहुत सहज क्वेश्चन आसी। द्वितीय रही प्रतिकूल केउ समास। ऑप्शन अछि ए रे तत्पुरुष, बी रे कर्मधारय, सी रे अवयी, डी रे दिगु। प्रतिकूल आम देखा जदि यह के समास। तत्पुरुष समास संज्ञा कौन ना, जो समास उत्तर पदर अर्थ प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहुए। यह समास द्वितीय ठारु सप्तमी पर्यंत कौन सी विभक्तिर लोप होता है, तो प्रतिकूल तत्पुरुष समास होबना कहीं एठारे क्यों विभक्तिर चिन्ह लोप ना, से हेनी प्रतिकूल तत्पुरुष समास। द्वितीय रही कर्मधारय समास। कर्मधारय समास संज्ञा कौन ना, एकाधिक पद मिलित हो एक व्यक्ति वस्तु बा कौन सी एक को बुझाइले, अर्थात कहवाक गले दुईटी पद गोटे वस्तु को बा व्यक्ति को बुझाइले ता कर्मधारय समास। यह कौन सी वस्तु व व्यक्ति को बुझाऊ ना, से कर्मधारय समास होबना। तृतीय ऑप्शन रही अवयभाव समास। अवयभाव समास कौन ना, जो समास पूर्वपद अव्यय होता है से ही अवयर अर्थ प्रधान रूपे अवस्थित थाए ताकि अवयभाव समास। ये आमर दे शब्द प्रतिकूल, प्रति हूँ कौन पूर्वपद अवयभाव अवय हो से हाब अवयभाव समास। तो दिगु समास भी होबना कहीं जो आम अवयभाव समास। दिगु समास संज्ञा कौन ना, जो कर्मधारय समास संख्यावाचक शब्द पूर्व थाए एवं समस्त पद समाह एकत्र संग्रह को बुझाऊ थाए ता दिगु समास। मान संख्यावाचक शब्द कौन थी पूर्व थी आदि किसी संख्यावाचक शब्द ना प्रतिकूल से दिगु समास होबना। सठिक उत्तर होमर अवयभाव समास। तृतीय प्रश्न रही से गणित पटु, यह क्यों विभक्ति। ऑप्शन अछि ए रे तृतीया, बी रे सप्तमी, सी रे पंचमी, डी रे द्वितीया। तृतीय विभक्तिर चिन्ह रे द्वारा ए, सप्तमी विभक्तिर चिन्ह रे ठारे तही, पंचमीर चिन्ह रु ठारु तहु, द्वितीय विभक्तिर चिन्ह कु कि। ये थी द्वितीय विभक्ति। आमर देखिए से गणित रे पटु रे व्यवहार कराई कौन हम उत्तर, आइदर तृतीय हम ना सप्तम हे। तृतीय विभक्ति भी रे अच्छे, सप्तमी भी रे अच्छे, किंतु ये जो दिखाई से गणित रे पटु तो देखा तृतीय विभक्ति नहीं सप्तमी विभक्ति रे। यह भावे सप्तमी रे गोटे कार्य द्वारा अन्य कार्य सूचित हेले पूर्व क्रियार कर्ता ठारे सप्तमी विभक्ति हुए। ये होता नियम, से नियम देखिले उत्तर हो सप्तमी। से गणित पटु यह के विभक्ति हूँ सप्तमी विभक्ति। कौन पाई है ना, भावे सप्तमी गोटे कार्य द्वारा अन्य कार्य सूचित हेले पूर्व क्रियार कर्ता ठारे सप्तमी विभक्ति हुए, से कौन यह हूँ सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा।
उर्जाम शिलालेखटी केउ मसीहारे उत्कीर्ण? ऑप्शन अछि ए 1251, बी रे 1351, सी रे 1451, डी रे 1051। ए जो उर्जाम शिलालेखटी 1051 ख्रीष्टाब्दरे अनंत देव वर्माक संवत्सरे खोदित, यह गंजाम जिला बा वर्तमानर चिकाकोल जिलार उर्जाम ग्रामरे ए शिलालेखटी रही। शिलालेखरे प्रथमे ओडिया शब्दर व्यवहृत होइछे उर्जाम शिलालेखरे। आमको आउ गोटे प्रश्न मन रखिबाकु हेबो, जे देइथिबो केउं शिलालेखरे प्रथमे ओडिया शब्दर व्यवहार होइछे, तो उत्तर होइजिबो उर्जाम शिलालेख, ता मध्यरे ओडिया शब्दर व्यवहार होइछे प्रथम करि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि अलचिकी लिपिर प्रवर्तक किए? ऑप्शन अछि एरे मंगेल गमांग, घरे रघुनाथ मुर्मू, सी रे गोपीनाथ नंद, डी रे गोपाल चंद्र प्रहराज। अलचिकी जो लिपि रहिछि तार प्रवर्तक हेउछन्ति रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन कौनसी सदृश वस्तु को देखी आउ एक वस्तु स्मृतिपटरे देखादेले केउ अलंकार हुए? ऑप्शन अछि एरे स्मरण, बी रे विशेषोक्ति, सी रे अर्थांतर न्यास, डी रे विभावना। आमर देठे कौन ना कौनसी सदृश को देखिकी जितेबाला वस्तु को देखी आम मन में जितेबाला एक स्मृतिपटरे कौन हो से एक वस्तुर स्मृतिपट देखा दूसरे यह स्मरण अलंकार। आम जो देखा स्मरण अलंकार कहीं हम विशेषोक्ति अलंकार कहीं ना हम अर्थांतर न्यास कहीं ना हम विभावना कहीं ना हम आम देखा विशेषोक्तिर संज्ञा कौन कारण विद्यमान थी कार्यर अभाव वर्णित होते हैं विशेषोक्ति एठार कार्य कारण किसी ना तो विशेषोक्ति अलंकार हेब ना अर्थांतर न्यास हम कौन देखा तार संज्ञा ना सामान्य द्वारा विशेष बा विशेष द्वारा सामान्य कार्य द्वारा कारण बा कारण द्वारा कार्य समर्थित हेले अर्थांतर न्यास अलंकार हुए। तो एठारे कौनसी कार्य कारण नहीं तो यह कौन अर्थांतर न्यास अलंकार नुहे। विभावना अलंकार संज्ञा होछि बिना कारण रे कार्यर उत्पत्ति वर्णित हेले विभावना अलंकार हुए ताहा मध्य देना तो विभावना अलंकार हेबनी। तो कौन है कौनसी सदृश वस्तु को देखिए आउ एक वस्तु स्मृतिपटरे देखादेले स्मरण अलंकार हुए ये हूँ स्मरण अलंकार संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि पिला की धरणर शब्द? ऑप्शन रही एरे इंग्राजी, बी रे पारसी, सी रे द्राविड़, डी रे पर्तुगीज। ये जो शब्दटी रही पिला यह एक द्राविड़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन दंडी को रचित अलंकार ग्रंथर नाम कौन? ऑप्शन अछि एरे नाट्यशास्त्र, बी रे नाट्य दर्पण, सी रे काव्य प्रकाश, डी रे काव्यादर्श। दंडी को रचित अलंकार ग्रंथ देछि नाट्यशास्त्र नाट्य दर्पण नाट्य को भित्ति करी काव्य प्रकाश काव्यादर्श अलंकार ग्रंथ। नाट्यशास्त्र रचयिता होचंति भरत मुनि, नाट्य दर्पण रचयिता मध्य भरत मुनि, काव्य प्रकाशर रचयिता मम्मट, काव्यादर्शर रचयिता दंडी आचार्य दंडी। तो आमर प्रश्न रही दंडी को रचित अलंकार ग्रंथर नाम कौन? तो उत्तर हो काव्यादर्श, यह रचयिता होचंति आचार्य दंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध गान और दोहा किए आविष्कार करते? ऑप्शन अछि एरे करुणाकर कर, बी रे हरप्रसाद शास्त्री, सी रे विधुशेखर भट्टाचार्य, डी रे खगेश्वर महापात्र। बौद्ध गान और दोहा किए आविष्कार करते? बंगीय पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री यहाँ 1907 मसीह नेपाल उद्धार करते। जो चर्चा गीत रही
से चर्चा गीति गुड़ी को बौद्ध गान और दोहा भाव में हरप्रसाद शास्त्री कौन करना नामकरण करते यह 1907 मसीह नेपाल उद्धार करा जाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी सारला दास रचना ऑप्शन अच्छी ए रे लक्ष्मीनारायण वचनिका बी रे लक्ष्मी पुराण सी रे उत्कल लक्ष्मी डी रे उत्कल गृहलक्ष्मी। सहज प्रश्नटी अच्छी केउटी सारला दास रचना लक्ष्मीनारायण वचनिका हेउचे सारला दास रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी आर्तत्राण चौतीसा कहार रचना ऑप्शन अच्छी ए रे महादेव दास बी रे कन्हाई खुंटिया सी रे दनाई दास डी रे दीनकृष्ण दास। आर्तत्राण चौतीसा हेउची दीनकृष्ण दासंकर रचना। गोटे जनश्रुति रही आर्तत्राण चौतीसा को नहीं जेतबले दीनकृष्ण दास को कुष्ठ रोग होता से जगन्नाथ उद्देश्य श्रीमुखर जो रही श्रीमंदिर से गरुड़ स्तंभ निकट जा प्रतिदिन यह आर्तत्राण चौतीसा को से आवृत्ति करते रोगर मध्य से मुक्ति पाई। आर्तत्राण चौतीसा हो दीनकृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन चैतन्य चरितामृतर लेखक किए ऑप्शन अच्छी ए रे दिवाकर दास बी रे कृष्ण दास कविराज सी रे हलधर दास डी रे राय रमानंद। जो रही चैतन्य चरितामृत तार लेखक होती कृष्ण दास कविराज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही समयानुक्रमे सजाई लेखा जाइथिबा केउं क्रमटी ठीक ताको समय अनुसार आम सजे लेखिबा कौन होमर लावण्यवती राम विवाह समर तरंग किशोर चंद्रानंद चंपू चारोटी रही। प्रथम होमर राम विवाह प्रथम क्योंटा अच्छे आम जाने राम विवाह होती रचना किए कर अर्जुन दास तो राम विवाह हूँ प्रथम। द्वितीय लावण्यवती उपेन्द्र भंजकर समर तरंग हूँ ब्रजनाथ बड़जेना रचना किशोर चंद्रानंद चंपू रचयिता होती कवि सूर्य बलदेव रथ तो आमर सठिक उत्तर हो सी राम विवाह तप लावण्यवती समर तरंग शेष किशोर चंद्रानंद चंपू। आम ये जो प्रश्न जो एमती दे मानने आमको सजाई लेख्वापी आम जाचे राम विवाह हूँ लावण्यवती पूर्वर रचित तो से अपसन आम देखा सी अच्छे सठिक उत्तर। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न पूर्व जन्मरे लावण्यवती नाम कौन थिला ऑप्शन अच्छी ए कलावती बी रे बृंदावती सी रे इच्छावती डी रे बांछावती। लावण्यवती होची उपेन्द्र भंजकर प्रसिद्ध काल्पनिक काव्य। पूर्व जन्मरे लावण्यवती नाम थिला बांछावती। लावण्यवती काव्यटी 48 छांद विशिष्ट लावण्यवती कथा वस्तु को नहीं भिडियोटी करा जाइछे जो मैंने देखी ना से भिडियोटी देखी दिंतु तार कथा वस्तु लावण्यवती कथा वस्तु को आलोचना करा जाइछे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनाग्य चंचलाखी केउं कथा ग्रंथर चरित्र ऑप्शन अच्छी ए रे चतुर विनोद बी रे हास्य कलल सी रे प्रस्ताव चिंतामणि डी रे रुद्र सुधानिधि। जो चरित्र दुईटी अच्छी मोहनांग चंचलाखी यह हूँ चतुर विनोद कथा ग्रंथर चरित्र। चतुर विनोदर रचयिता होती ब्रजनाथ बड़जेना। नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी ठीक बलदेव रथ प्रेम सुधानिधि काव्यर रचयिता यह तो संपूर्ण भूल। उपेन्द्र भंज प्रेम सुधानिधि काव्य रचयिता यह सठिक उत्तर। नेक्स्ट ऑप्शन कौन रही देखा भूपति पंडित प्रेम सुधानिधि काव्यर रचयिता यह भी भूल। अभिमन्यु सामंत सिंहार प्रेम सुधानिधि काव्य रचयिता यह मध्य भूल। तो आम सठिक उत्तर रही उपेन्द्र भंज जेकि प्रेम सुधानिधि काव्य रचयिता
এই প্রেম সুধানিধি কাব্য ষোল ছন্দ বিশিষ্ট কাব্য। নেক্সট কোশ্চেন, কেউটি ভুল, সেটা প্রশ্ন কেউটি ঠিক ইয়ে দিয়েছি, কেউটি ভুল। ধনঞ্জয় ভঞ্জঙ্কর ইচ্ছাবতী যা কি সঠিক অছি, বনমূলী দাসঙ্ক চাট ইচ্ছাবতী এ মধ্য সঠিক অছি, দেবদুর্লভ দাসঙ্কর প্রেমলোচনা এটা ভুল অছি। তারপরে দেখিবা কবিচান্দ দাসঙ্কর গোপীচন্দন এ মধ্য সঠিক অছি, যে প্রেমলোচনা অছি তাহা হচ্ছে বিষ্ণু দাসঙ্কর রচনা। তো আমার কেউটি ভুল হলে সি হয়ে যাব, দেবদুর্লভ দাসঙ্ক প্রেমলোচনা ইয়ে হচ্ছে ভুল, ইয়া হচ্ছে বিষ্ণু দাসঙ্কর রচনা। নেক্সট কোশ্চেন, বিষ্ণু গর্ভপুরাণ কাহার রচনা? অপশন অছি এ রে হলধর দাস, বি রে পীতাম্বর দাস, সি রে মহাদেব দাস, ডি রে চৈতন্য দাস। বিষ্ণু গর্ভপুরাণ হচ্ছে চৈতন্য দাসঙ্ক রচনা। এই গ্রন্থরে পঞ্চ বিষ্ণুঙ্কর পরিকল্পনা করা যাইছে। এই গ্রন্থটি দাণ্ডি বৃতরে রচিত, বিষ্ণু গর্ভপুরাণ গ্রন্থটি দাণ্ডি বৃতরে রচিত। নেক্সট কোশ্চেন অছি, ঢমপণে বর্ণুছি মু গোবিন্দ চরিত, ঢগ ঢমাড়ি হেলে হে সাক্ষাৎ অমৃত, এহা কেউ কাব্যর পদ? অপশন অছি এ রে বিদগ্ধ চিন্তামণি, বি রে প্রেম চিন্তামণি, সি রে প্রেমকলা, ডি রে ভাববতী। এই যে পদটি রয়েছে এহা হচ্ছে বিদগ্ধ চিন্তামণির পদ, বিদগ্ধ চিন্তামণির রচনা করেছেন অভিমন্যু সামন্ত সিংহার। নেক্সট কোশ্চেন, জানিলি বেশ নুহে গুণর চিহ্ন, বাহারে সাধু বেশ ভিতরে ভিন্ন। এই যে কবিতাটি রয়েছে, কবিতাংশটি রয়েছে, এহা কেউ কাব্যর পদ? অপশন অছি এ রে পদ্মিনী, বি রে তপস্বিনী, সি রে প্রণয়বল্লরী, ডি রে কীচকবধ। সমস্ত রয়েছে কাব্য, এহা হচ্ছে সমস্ত হচ্ছে গঙ্গাধর মেহেরঙ্ক রচনা। আমি দেখিবা এই যে রয়েছে পদ, এহা কেউ কাব্যর? এহা হচ্ছে তপস্বিনী, তপস্বিনী কাব্যর পদ। এই তপস্বিনী কাব্যটি এগার সর্গ বিশিষ্ট এবং এই কাব্যটি সীতাঙ্কর করুণ বনবাস জীবনর সুন্দর চিত্র কবি বর্ণনা করেছেন। নেক্সট কোশ্চেন, ক স্তম্ভ সহিত খ স্তম্ভর সম্পর্ক নিরূপণ কর। আমাকে দেখবাকে পড়ব, কলস চৌতিশ, অবনারস তরঙ্গ, মহিমণ্ডল গীতা, স্তুতি চিন্তামণি। কলস চৌতিশ রচনা বৎসদাসঙ্কর, তো এ হয়েযাব আইভি, এ আইভি কোটি অছি, হ এ রে অছি, তো এ হয়েযাব আমার সঠিক উত্তর। আমি জানিছে ক স্তম্ভ খ স্তম্ভ মিললে আমি কেমতি করিবা, তার সঠিক হচ্ছে আমি যেতে জাঁথা সেতিকি চেক করিবা, এ হচ্ছে কলস চৌতিশ, তো তার আইভি বৎসদাস, তো আইভি আউ কোটি নাই, এ অছি, তো এ ভি হয়েযাব আমার সঠিক উত্তর। অবনারস তরঙ্গ উপেন্দ্র ভঞ্জঙ্কর, মহিমণ্ডল গীতা অরক্ষিত দাসঙ্ক রচনা, স্তুতি চিন্তামণি ভীমভৈঙ্কর রচনা। নেক্সট কোশ্চেন 22, এ মধ্যে ক স্তম্ভ সহিত খ স্তম্ভর সম্পর্ক নিরূপণ কর দেইছি। পদাবলী অমিত্রাক্ষর ছন্দ দাণ্ডিবৃত কোইলি। অপশন অছি বলরাম দাস, গোপালকৃষ্ণ, মার্কণ্ড দাস, রাধানাথ রায়। পদাবলী, পদাবলী রচয়িতা হচ্ছেন গোপালকৃষ্ণ, প্রথম করে পদাবলী সাহিত্য রচনা করে গোপালকৃষ্ণ। এর টু, এর টু দুইটি অছি, বি রে অছি, সি রে অছি। তারপরে আমি দেখিবা অমিত্রাক্ষর ছন্দ, অমিত্রাক্ষর ছন্দর প্রথম প্রয়োগ রাধানাথ রায় তাঁর কাব্যরে করেছিলেন, বি রে হয়েযাব আইভি, বি র আইভি, আমার উত্তর হয়েযাব সি, দুইটা মিশিগলা। তারপরে দাণ্ডিবৃত, দাণ্ডিবৃতর বলরাম দাস, এ কোইলি মার্কণ্ড দাস, তো আমার উত্তর হয়েযাব সি। নেক্সট কোশ্চেন, উৎকল দীপিকা, উৎকল সাহিত্য,
मुकुर नवभारत। एपटे तार ख स्तंभ संपादक अच्छा ब्रजसुंदर दास, गौरीशंकर राय, नीलकंठ दास, विश्वनाथ कर। उत्कल दीपिका गौरीशंकर राय एरो टू, एरो टू बी रे भी अच्छी डी रे अच्छी। तापर देखिबा उत्कल साहित्य, उत्कल साहित्य होची विश्वनाथ करंक संपादक उत्तर हेतिला। बी रो आई भी बी डी होची बामर सठिक उत्तर, कहीं ना बी रे अच्छी तीन अच्छी तो नीलकंठ दास तो नुहे हो डी, डी आमर सठिक उत्तर। मुकुर, मुकुर ब्रजसुंदर दास। नवभारत, नवभारत नीलकंठ दास। नेक्स्ट जीबा रामचंद्र मंगराज, बट्ट महांती, निधि दास बरजु। ये सब उपन्यास चरित्र माने अच्छा आम देखा। रामचंद्र मंगराज छमाण आठ गुंठ उपन्यास फकीरमोहन को रचना, ए हो थ्री, ए री कौटा अच्छे, हाँ ये होमर सठिक उत्तर। आम जानले गोटे चरित्र आम जानले रामचंद्र मंगराज छमाण आठ गुंठ, ए री अच्छे आउ तो कौटी ना, ये होमर सठिक उत्तर। बट्ट महांती माटी मटाल, माटी मटाड़ चरित्र। निधि दास अंध दिगंतर चरित्र। बरजु माटीर मनीष उपन्यास चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन स्तंभ सहित ख स्तंभर मेल रही। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, नोबेल प्राइज, बुकरस प्राइज। ज्ञानपीठ पुरस्कार किए पाई आम जाने गोपीनाथ महांती पाई, ए डबल आई, ए डबल आई बी रे अच्छे तो बी होमर सठिक उत्तर। तापर आम देखा आउ सब चेक करदे। ज्ञानपीठ पुरस्कार गोपीनाथ महांती, सरस्वती सम्मान रमाकांत रथ, नोबेल प्राइज रवींद्रनाथ ठाकुर, बुकरस प्राइज अरुंधति राय। आमर सठिक उत्तर हो बी। नेक्स्ट रही निम्न साहित्य अनुष्ठान गुड़िकर प्रतिष्ठा समय अनुसार सजाओ। कौन कौन रही अनुष्ठान देखा, प्रथम रही सबुज समिति, सत्यवादी वन विद्यालय, नवजुग साहित्य संसद, उत्कल सभा। उत्कल सभा 1882 रे हेतिला। सबुज समिति, सबुज समिति, सबुज साहित्य नहीं सबुज समिति सॉरी सबुज समिति 1929 मसीह रे। सत्यवादी वन विद्यालय 1909 मसीह रे। नवजुग साहित्य संसद रही, नवजुग साहित्य संसद 1935 मसीह रे गठित होता। तो आम जदि समय सीमा अनुसार सजाई रखा, प्रथम आमर हो 1882 जे कि उत्कल सभा, उत्कल सभा कौटे ऑप्शन रही, हाँ सी रे रही उत्कल सभा। तापर सत्यवादी वन विद्यालय 1909, सबुज समिति 1929, नवजुग साहित्य संसद 1935, सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 ग्रंथ गुड़ी प्रकाशन समय अनुजाई सजाओ। ऑप्शन अच्छे लक्षमा, खारबेल, बीर ओडिया, अमृत फल। लक्षमा 1901 मसीह प्रकाश पाई, खारबेल 1993 मसीह, बीर ओडिया जहार कि मु समय सीमा एवं तार रचयिता किए जापारि ना, तो आपण मैंने जी भी जानते कमेंट करके बत मैंने कहे तार समय सीमा आ तार रचनाकार किए बोल के। अमृत फल मनोज दास को रचना 2006, तो आम तक सजेक रखा तो सठिक उत्तर रही डी लक्षमा 1901 प्रकाशित, फकीरमोहन सेनापति रचना, बीर ओडिया
कहीं तार उत्तर रही से तार सठिक उत्तर डी हम मुझे कितु जो मैंने जानते वीर ओडियार कहार लेखा एवं तार रचना समय के दयाक कमेंट बॉक्स रे ता जनइबे। खारबेल नृसिंह चरण पंडा रचना 1993 मसीहा, अमृतफल मनोज दास रचना 2006 मसीहार। नेक्स्ट रही 28 ऐतिहासिक क्रम लेखक मानू सजाओ। ऐतिहासिक क्रम देखा आम रही ऑप्शन चंद्रशेखर नंद, दयानिधि मिश्र, राजकिशोर राय, कृष्ण प्रसाद मिश्र। सठिक भाव लिखाई ऐतिहासिक क्रम देखने प्रथम आसवे चंद्रशेखर नंद, तापर दयानिधि मिश्र, तापर आसवे राजकिशोर राय, शेष कृष्ण प्रसाद मिश्र। 28 ए हो सठिक उत्तर। आमर 29 नंबर प्रश्न, केउटी कान्हूचरण उपन्यासर प्रसिद्ध नारी चरित्र। ऑप्शन रही ए रे सरोजिनी, बी रे क्षण प्रभा, सी रे चंपा, डी रे प्रतिभा। कान्हूचरण उपन्यासर प्रसिद्ध नारी चरित्र होची क्षण प्रभा। झंझा उपन्यासर नायिका होची क्षण प्रभा। झंझा उपन्यासटी 1950 मसीहा रचित। तमर उत्तर हो क्षण प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे, केउटी मोहिनी मोहन सेनापति प्रबंध ग्रंथ। ऑप्शन अच्छे एरे विविध प्रबंध, बी रे प्रबंध सोपान, सी रे विविध प्रसंग, डी रे प्रबंध प्रकाश। विविध प्रबंधर रचयिता होती विश्वनाथ कर, प्रबंध सोपानर रचयिता होती विपिन विहार राय, विविध प्रसंग रचयिता होती मोहिनी मोहन सेनापति, प्रबंध प्रकाशर रचयिता होती रत्नाकर पति। तो आमर सठिक उत्तर हो सी विविध प्रसंग होच मोहिनी मोहन सेनापति प्रबंध ग्रंथ। 31 नंबर प्रश्न, चतुरंग पत्रिकाटी केउठु प्रथमे प्रकाश पाइथिला। ऑप्शन अच्छी ए रे कटक, बी रे पुरी, सी रे बालेश्वर, डी रे बलांगीर। ए चतुरंग पत्रिकाटी राजेन्द्र नारायण सिंहदेव संपादक पत्रिकाटी प्रकाशित, यह बलांगीरु प्रथमे प्रकाश पाइथिला। परवर्ती प्रश्न, किए प्रथमे भारतीय भाषा मानकर सर्वेक्षण करथिले। प्रथमे देछि ऑप्शन अछि ए रे ग्रियर्सन, बी रे जॉन बीम्स, सी रे टी ई रेवेन्शा, डी रे हंटर। जी प्रथमे भारतीय भाषा मानकर सर्वेक्षण करथिले। सठिक उत्तर होछि सर जॉर्ज ग्रियर्सन, जे कि प्रथम करके भारतीय भाषा मानकर सर्वेक्षण करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही जंत्रारूढ़ उपन्यास रचयिता किए। ऑप्शन अच्छी ए रे मृत्युंजय रथ, बी रे चंद्रशेखर रथ, सी रे राधानाथ रथ, डी रे ब्रजनाथ रथ। जंत्रारूढ़ उपन्यास रचयिता होती चंद्रशेखर रथ। परवर्ती प्रश्न, केउटी नायिका विहीन उपन्यास। ए रे कनकलता, बी रे चित्रग्रीव, सी रे मल्ला जह्न, डी रे अमड़ा बाट। नायिका विहीन उपन्यास होची चित्रग्रीव। उपन्यासिक होती सजिदानंद राउतराय। ए जो चित्रग्रीव उपन्यास होची नारी चरित्र नथिबा प्रथम ओडिया उपन्यास। जदि प्रश्न आसे केबे प्रथम ओडिया उपन्यास कहिले कौन, प्रथम ओडिया नारी चरित्र नथिबा उपन्यास ताहा होची चित्रग्रीव। उपन्यासिक होती सचि राउतराय। परवर्ती प्रश्न, केउटी बंगला उपन्यास बारयारी अनुसरण रे लिखित। ऑप्शन अच्छी बोऊ, तमसाती रे, दाना पाणी, बासंती। बंगलार जो मिलित तो उपन्यास थिला बारयारी तार अनुसरण रे लिखित। सबुज गोष्ठी मिलित तो भाव रे ए बासंती उपन्यास को रचना करथिले, जहाँ कि बंगला उपन्यास बारयारी अनुसरण रे लिखित। नौ जन लेखक लेखिकांकर एहा होची सृष्टि। नौ जन लेखक लेखिकांकर एही उपन्यास रे
30টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। পরবর্তী প্রশ্ন 36 নম্বর, কেউ নাটকটিরে শ্রী জগন্নাথ চেতনার পরিপ্রকাশ ঘটিছে? অপশন অছি এর আগামী, বিরে অভিযান, সিরে বাবাজি, ডিরে ডিরে ভাত। দেইছি প্রশ্ন, কেউ নাটকটিরে শ্রী জগন্নাথ চেতনার পরিপ্রকাশ ঘটিছে? উত্তর হচ্ছে অভিযান। অভিযান নাটকর নাট্যকার হেউছন্তি কবিচন্দ্র কালীচরণ পট্টনায়ক। এই নাটকটি 1946 রচিত। পরবর্তী প্রশ্ন, ওড়িয়া নাট্যকলার রচয়িতা কি? অপশন অছি এরে চিন্তামণি আচার্য, বিরে কালীচরণ পট্টনায়ক, সিরে গিরিজাশঙ্কর রায়, ডিরে রামচন্দ্র মিশ্র। ওড়িয়া নাট্যকলার রচয়িতা হেউছন্তি গিরিজাশঙ্কর রায়। সে যে ওড়িয়া নাট্যকলার যে রচনা করেছেন, ওড়িয়া নাটক ও রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে তাঁর ঐতিহাসিক ও প্রামাণিক সমালোচনা গ্রন্থ, ইয়ে হচ্ছে তাঁর এক সমালোচনা গ্রন্থ গিরিজাশঙ্কর রায়ঙ্কর। এহা 1943 রচিত। পরবর্তী প্রশ্ন, ওড়িয়া নবনাট্য আন্দোলনর প্রবর্তক কি? অপশন অছি এরে মনোরঞ্জন দাস, বিরে গোপাল ছোটরায়, সিরে অশ্বিনী কুমার ঘোষ, ডিরে ভিকারী চরণ পট্টনায়ক। ওড়িয়া নবনাট্য আন্দোলনর প্রবর্তক হেউছন্তি মনোরঞ্জন দাস। নবনাট্য আন্দোলন যেত প্রবর্তক কহিবা, সে হচ্ছন্তি মনোরঞ্জন দাস। পরবর্তী প্রশ্ন, কেউ ক্ষুদ্র গল্পটি মানবেতর চরিত্রকে নিয়ে রচিত? অপশন অছি এরে মহানির্বাণ, বিরে রবি বাসরীয় সঙ্গীত সংগাত, সিরে ঘর বাহুড়া, ডিরে মাংসর বিলাপ। কহিছি মানবেতর চরিত্রকে নিয়ে, ইহা হচ্ছে মাংসর বিলাপ। ডোরা ও জলির চরিত্রকে নিয়ে ইহা রচিত, কালিন্দী চরণ পাণিগ্রাহীঙ্কর রচনা মাংসর বিলাপ। পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে, কেউটি প্রথম ওড়িয়া গল্প সংকলন? অপশন অছি এরে গল্প স্বল্প, বিরে রাশিফল, সিরে কথা কদম্ব, ডিরে চিত্র। প্রথম ওড়িয়া গল্প সংকলন তাহা হচ্ছে চিত্র। গাল্পিক হেউছন্তি চন্দ্রশেখর নন্দ। এহা 1906 রচিত। এই যে চিত্র গল্প সংকলনটি 6টি গল্প রয়েছে, হচ্ছে আমার উত্তর হয়ে যাব 40 ডি। পরবর্তী প্রশ্ন, পশ্চিম দিগন্ত কাহার রচনা? অপশন অছি এ মায়াধর মানসিং, বি শ্রীহর্ষ মিশ্র, সি গোবিন্দ দাস, ডি সূর্যকান্ত দাস। পশ্চিম দিগন্ত রচয়িতা হচ্ছন্তি শ্রীহর্ষ মিশ্র, এহা তাঁকর ভ্রমণ কাহাণী। শ্রীহর্ষ মিশ্রঙ্কর ভ্রমণ কাহাণী হচ্ছে পশ্চিম দিগন্ত। পরবর্তী প্রশ্ন, বিশ্বকু গবাক্ষ কাহার রচনা? অপশন অছি শরত কুমার মহান্তি, শ্রদ্ধাকার সুপকার, চিত্তরঞ্জন দাস, ভুবনেশ্বর বেহেরা। বিশ্বকু গবাক্ষ এহা হচ্ছে এক প্রবন্ধ, এর রচয়িতা হচ্ছে প্রাবন্ধিক হচ্ছে চিত্তরঞ্জন দাস। বিশ্বকু গবাক্ষ প্রবন্ধ পাই 1998 কেন্দ্র সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত। পরবর্তী প্রশ্ন, গাঁর ডাক গ্রন্থর নায়ক কি? অপশন অছি এ বুদ্ধদেব, বিরে সিদ্ধার্থ, সিরে গৌতম, ডিরে সাক্ষ্যসিংহ। গাঁর ডাক গ্রন্থর নায়ক হেউছন্তি বুদ্ধদেব। গাঁর ডাকর রচয়িতা হেউছন্তি ভুবনেশ্বর বেহেরা। ভুবনেশ্বর বেহেরাঙ্কর এহা হেউছি রচনা যে গাঁর ডাক, এহা তাঁকর আত্মচরিত। আমার প্রশ্ন অছি এই গ্রন্থর নায়ক কি? নায়ক হেউছন্তি বুদ্ধদেব। পরবর্তী প্রশ্ন, বামন্ডা রাজদরবারু ফকিরমোহন কেউ উপাধি পাইলে? অপশন অছি রিং লিডর, কথা সম্রাট, ব্যাসকবি, সরস্বতী। বামন্ডা দরবার যে রয়েছে
1916 ख्रीष्टाब्दरे बामंडा दरबार 1916 ख्रीष्टाब्दरे सरस्वती उपाधि पाई किए ना फकीरमोहन सेनापति। परवर्ती प्रश्न, दारू देवता कहार गवेषणात्मक निबंध। ऑप्शन अच्छी ए रे बेणीमाधव पाढ़ी, बी रे कान्हुचरण मिश्र, सी रे बंशीधर महांती, डी रे सत्यनारायण राजगुरु। दारू देवता रही गवेषणात्मक निबंध जो रही है बेणीमाधव पाढ़ीकर रचना। यह एक गवेषणात्मक निबंध क्या कुछ ना जगन्नाथ तत्व और जगन्नाथ संस्कृतिर बिवर्तन सम्बन्धी यह एक गवेषणात्मक निबंध। परवर्ती प्रश्न 46 नंबर, प्रतीकवादी आंदोलन केउठारे आरंभ होइतिला। ऑप्शन रही ए रे अमेरिका, बी रे जर्मन, सी रे फ्रांस, डी रे इंग्लैंड। जो प्रतीकवादी आंदोलन रही फ्रांस रे आरंभ होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कवि मानंको मध्यरु लालिका लेखक किए। ऑप्शन रही ए रे चिंतामणि बेहरा, बी रे सीताकांत महापात्र, सी रे बिंबाधर वर्मा, डी रे लक्ष्मीकांत महापात्र। जो लालिका लेखक होछंति लक्ष्मीकांत महापात्र से बहुत मात्रा रे लालिका रचना करिछंति। त हमर उत्तर हे जेबो डी। 48 नंबर प्रश्न, गाँ मजलिस की धरणर लेखा। ऑप्शन रही ए रे गल्प, बी रे मुक्त आंगिक धर्मी गद्य, सी रे कविता, डी रे नाटक। गाँ मजलिस यह एक प्रबंध कहवाक गले मुक्त आंगिक धर्मी गद्य। रचयिता होती हरेकृष्ण महताब। तांकर गाँ मजलिस प्रबंध पर 1983 मसीहारे केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार लाभ करिथिले। 1983 मसीहारे कालिदासंक मेघदूत काव्यर अनुवादक किए। ऑप्शन रही ए राधानाथ राय, बी चिंतामणि महांति, सी गंगाधर मेहर, डी नंदकिशोर बल। कालिदासंकर मेघदूत काव्यर अनुवादक होचंति राधानाथ राय, से 1873 मसीहारे अनुवाद पुस्तक रचना करिथिले कालिदासंकर मेघदूत काव्यर अनुवाद करिथिले। 50 नंबर शेष प्रश्न, पाथेय कविता ग्रंथर रचयिता किए। ऑप्शन रही ए रे विनोद नायक, बी रे सची राउतराय, सी रे अनंत पटनायक, डी रे राधामोहन गडनायक। पाथेय कविता ग्रंथ रचयिता होती कवि सची राउतराय। आज MCQ आलोचना ये शेष होटे कथा कही रखुची, वीर ओडिया जो को आलोचना करुले तार लेखक एवं तार रचना समय जो मैंने भी जानते दया करी कमेंट बॉक्स रे कहिबे। वीडियो टी भल लगी लाइक करूँ, फ्रेंड मानक शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ जहाँफल कि न्यू वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई। यही भाई आम प्रीवियस ईयर आहरी प्रश्नपत्र आलोचना करिबा। धन्यवाद, थैंक यू।